गर्मी और ह्यूमिडिटी इत्यादि से है। इसलिए हमने हमारा जो एक तीसरा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, तो पिछले 2-3 साल से हीट के बारे में, संभावित हीट से, हीट स्ट्रोक से होने वाली समस्याएं या जो बड़े हीट स्ट्रोक वगैरह आने की प्रॉबिलिटीज होती है उनके बारे में फोरकास्ट भी करता है पहले से, और उसके साथ साथ जो इंटरेस्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनके साथ एक एक्शन प्लान भी बनाता है, उन स्टेट्स की मदद करता है। तो वो भी हम अपने अर्थ साइंस मंत्रालय की मदद से बिहार की सरकार को उस प्लान को बनाने में मदद करेंगे। और साथ में जो हमारी यहाँ पर IMD की जो ऑब्जर्वेटरी है इस मुजफ्फरपुर में, उसको आने वाले समय के अंदर हम उसको अपग्रेड करेंगे। हमने अपने अधिकारियों से बात की है ताकि, क्योंकि ये क्रिटिकल एरिया है और यहाँ पर ह्यूमिडिटी और इस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो है बीमारी के होने की संभावनाओं से लिंक है, तो उसकी जितनी भी मैक्सिमम समय पद तरीके से रेगुलर जानकारियाँ लोगों को मिल सकें, वो तो जानकारियाँ हम उनको दे सकें। तो कुल मिलाकर जो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें और भी बहुत सारे सुझाव आए हैं ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि के लिए, जो बच्चों के PhD से यहाँ तक आने के लिए और ज़्यादा सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग कैसे की जा सकती है, एम्बुलेंसेज जो है उनको क्या हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से इक्विप कर सकते हैं कि जो अगर गंभीर अवस्था में भी बच्चा यहाँ पर आ रहा है तो रास्ते में भी उसकी कुछ हेल्प हो सकती है। तो इस सारी जो तकलीफ है उसका एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हमने लिया है, गहराई से समझने की कोशिश की है कि क्या क्या और होना चाहिए। जो कुछ सरकार ने अभी तक प्रयास किए हैं वो मैं समझता हूँ कि अपनी तरफ से काफ़ी कुछ उन्होंने किया है, लेकिन इन परिस्थितियों को और बेहतर ढंग से और ज़्यादा परफेक्ट बनाने के लिए हमें और बहुत सारी चीज़ें जो करने की ज़रूरत है उनके लिए हमने टाइमलाइंस सेट की हैं अपने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ मिलकर, और उनके सेक्रेटरी साहब जो हैं संजय जी उनके